वीडियो शुरू करने से पहले यार बता दूं कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब ऑलरेडी करके रखा है या फिर अभी करने वाला हो तो मेक श्योर यार सब्सक्राइब करने के बाद जो नोटिफिकेशन होते हैं ना ऑल पे कर लेना, क्योंकि पर्सनलाइज पे रखोगे तो नोटिफिकेशन देगा नहीं। अभी यूट्यूब का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है तो मेक श्योर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर रखना। हाय दोस्तों, मैं देवर, आप सभी का माइनक्राफ्ट की एक न्यू वीडियो में स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले पाने के लिए प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। तो आज अपन करने वाले हैं टिकटॉक लाइव हैक, मतलब टिकटॉक के माइनक्राफ्ट के हैक करने वाले हैं दोबारा से। तो अगर एक भी मतलब टिकटॉक हैक आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके जाना और नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगे। तो बिना टाइम पास किए अब वीडियो स्टार्ट कर लें। तो फर्स्ट टिकटॉक हैक पर चलते हैं जल्दी से। तो बेसिकली ये एक टिकटॉक हैक मानो, मतलब माइनक्राफ्ट हैक मानो, कुछ भी मानो, बट ये एक अच्छी सी चीज़ है। तो मैं दिखा देता हूँ, इसमें आपको एंडर ड्रैगन के हेड चाहिए होंगे, तो इनको ऐसे तीनों को ऐसे रखना होगा, एकदम ऐसे जैसे मैंने रखा है। फिर आपको एक क्वार्ट्ज का स्लैब ले लेना वाइट कलर का, उसमें देखो ऐसा कुछ शेप बनेगा। तो देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, सैड सा मतलब उदास सा चेहरा बना हुआ है, पता नहीं क्या है बट ऐसा बनता है। आप ट्राई कर सकते हो और ये माइनक्राफ्ट बेडरॉक जावा सभी में वर्क करता है। ये जितनी भी ट्रिक बताऊंगा शायद इनमें से दो तीन जो मेरे काम नहीं करें, फेल भी हो सकती हैं, तो वो शायद बेडरॉक में काम करेंगी, तो ये जावा में नहीं करती होगी। बट ट्राई करते हैं एक बार, मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं जितनी भी देखी थी वो सारी बता रहा हूँ। ये देखो मुँह इसका टेढ़ा हुआ है, मतलब ऐसा मतलब शेप बनते हैं। तो मैं दिखा देता हूँ अभी, ये भी क्यूट लग रहा है यार, बहुत अच्छा है यार। अब तीसरा चलते हैं, जो तीसरा और दिखा देता हूँ। तीन शेप बनते हैं, एक यहाँ पे रखना है, सेम ही यहाँ पे एक और रख जाए, तो ये रख गया। तो अब रख देना है यहाँ पे क्वार्ट्ज का स्लैब। तो ये कैसा वो अस रहा है, रो रहा है, पता है नहीं कैसा चेहरा बना है, बट ये शेप बनते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो और अगर आपको पता हो तो नीचे बताओ कि हमको पता है ये पहले से, और अगर नहीं पता तो एक लाइक करके जाओ। तो बिना टाइम पास के चलते हैं माइनक्राफ्ट सेकंड हैक पर, तो चलते हैं जल्दी से। तो बेसिकली इसमें थोड़ा सा यहाँ पे बेस बना लेता हूँ मैं, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट टाइप की चीज़ है। इसमें आपको मतलब सीक्रेट चेस्ट छुपानी हो कहीं पे, ऐसा कुछ है वीडियो में तो ऐसा ही बता रखा था कि यहाँ पे आपको छोटा सा बेस बना के बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्वार्ट्ज के ब्लॉक हैं, तो क्वार्ट्ज के वाइट कलर के ब्लॉक अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने क्वार्ट्ज के ब्लॉक लिए। तो ऐसा कुछ बना लेना आप भी, अगर आप घर में हो, अपना घर बना रखे हो तो वहाँ पे आप डिज़ाइन अपने हिसाब से कर लेना। तो आपको इसके पीछे क्या करना है, एक स्टिकी पिस्टन लगाना है। तो मैं जैसे लगा रहा हूँ वैसे लगा देना, मैंने वीडियो में ऐसे ही देखा था। तो इसका सामने की तरफ मुंह करके लगाना है, और यहाँ पे गलत तो नहीं, हाँ यहाँ पे एक ब्लॉक रख देना है और नीचे रख देनी है एक चेस्ट। तो ज़्यादा गहरा तो नहीं कर दिया ना, तो एक चेस्ट निकालनी है जल्दी से। मैं एक चेस्ट निकाल लेता हूँ, कोई भी नॉर्मल चेस्ट ले लेना, मैं एंडर चेस्ट ले रहा हूँ। तो अगर काम किया तो ठीक है, नहीं काम किया तो ये टिकटॉक है काम नहीं कर रहा है। तो बट कोई नहीं, गालियाँ मत देना, क्योंकि सारी ट्रिक काम नहीं करती हैं, कोई कोई ट्रिक काम करती हैं और बेडरॉक में करती हैं, कोई जावा में करती हैं, सभी में अलग अलग ट्रिक काम करती हैं। तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि काम करती है नहीं करती है। तो अभी डायमंड भी ले लेता हूँ, इसमें डायमंड रखने हैं थोड़े बहुत, तो इसके अंदर रख देते हैं डायमंड, ऐसे ऐसे बहुत सारे डायमंड। लूट कोई भी आएगा तो उसको लगेगा हुआ यार कितनी अच्छी लूट, बस छुपा के रखेंगे अपन इसको। तो कोई नहीं, अभी मैं दिखा देता हूँ, अभी थोड़ी सी और इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। तो अपन को चाहिए होगा थोड़ा सा रेड स्टोन, तो यहाँ पर थोड़ा सा बेस बना देता हूँ एक बार मैं, एक बार यहाँ से भी थोड़ा सा कवर कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा बेस होगा तो अच्छा लगेगा। तो ये कर दिया पूरा यार, तो कोई नहीं, अब आपको रेड स्टोन चाहिए होगा, तो मैं रेड स्टोन निकाल लेता हूँ जल्दी से बाहर। और माइनक्राफ्ट
मतलब अंडरग्राउंड सर्वाइवल की वीडियो कल आएगी, क्योंकि आज उस पर काम कर रहा था बट वीडियो पूरी नहीं बन पाई। तो ऐसे ही उसको रेडस्टोन से कनेक्ट कर देना है, इसको जो भी है पिस्टन है इसको कनेक्ट कर देना है। मैं यहाँ पे थोड़े ब्लॉक लगा देता हूँ, तो सेम ऐसे ही करना है। फिर आगे की साइड चलते हैं एक बार। यहाँ पे ऐसा मतलब हाइड कर देना बेस को, तो छोटा सा बेस बना दिया मैंने। तो अब देखते हैं आगे काम करती है कि नहीं करती। एक साइड एक लीवर लगा देता हूँ यार, थोड़ा काम कर जाए शायद। तो ये पेंटिंग तो ऐसा अच्छा लगाने के लिए कर रहा हूँ बस, और तो कुछ नहीं। और एक यहाँ पे लीवर लगाना है तो थोड़ी बस डिजाइन बन जाए, इसलिए मैं बस यहाँ पे पेंटिंग लगा रहा हूँ ये पोस्टर जो भी है। तो अब ये बहुत अच्छी लग रही है, तो ये ठीक है। बस इतना एक लीवर लगा देना यहाँ पर कि थोड़ा मतलब सीक्रेट बेस हो, ऐसा कुछ लगे। तो थोड़ी पेंटिंग सजावट भी कर देते हैं। तो यहाँ पर भी पेंटिंग लगा दी है मैंने। तो यार ये काम नहीं कर रहा भाई, काम नहीं कर रहा भाई। यार मैंने सही लगाया यार, वीडियो में इतना ही ऐसा ही दिखाया था सेम जैसे उसने दिखाया। देखो पिस्टन काम नहीं कर रहा यार, यार पिस्टन काम नहीं कर रहा यार बिल्कुल भी। देखो ऑन हो रहा है बट पिस्टन काम नहीं कर रहा यार। मैंने दो बार ट्राई कर लिया बट ये काम नहीं कर रहा। रेड स्टोन लगा के देखता हूँ एक बार, रेड स्टोन का ब्लॉक लगा के देखता हूँ काम करता है नहीं करता। तो ये देखो ये काम कर रहा है, बट ये रेड स्टोन से काम नहीं कर रहा है, रेड स्टोन ब्लॉक से काम कर रहा है। तो देखो एकदम अच्छी तरह काम कर रहा है बट ये तो फेल हो चुका है। अगर आप रेड स्टोन ब्लॉक लगाओगे तो ये काम कर जाएगा बिल्कुल, बट रेड स्टोन से नहीं काम कर रहा। तो कुछ नहीं कर सकता। मैंने ट्राई कर लिया इसको दो तीन बार लगा कर, बट ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। अगर आप रेड स्टोन लगाओगे तो देखो हाइड हो जाएगी आपकी चेस्ट, तो ऐसे आप हाइड कर सकते हो। और तो अभी तो ये ट्रिक काम नहीं कर रही है, ये शायद बेडरॉक में काम करेगी मतलब मोबाइल वाले में, तो ये पीसी वाले में काम नहीं करेगी। तो चलते हैं तीसरी अपनी ट्रिक पर। तो इस ट्रिक में क्या है कि अपन को मतलब TNT ये मतलब फायर करेगा, मतलब दूर तक जाएगा ऐसा कुछ है। तो छोटा सा मैं बेस बना लेता हूँ जल्दी से, फिर आगे की स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊँगा आपको। तो ये पूरी लगा देता हूँ मैं, तो लगा लिया। अब यहाँ पे एक क्वार्ट्ज का ब्लॉक लगा देता हूँ और इसके ऊपर लगानी है रेड स्टोन टॉर्च। तो रेड स्टोन टॉर्च कहाँ पर है, रेड स्टोन टॉर्च ये रही। तो ये रेड स्टोन टॉर्च लगानी है, और रेड स्टोन रिपीटर भी है मेरे पास, तो अभी मैं लगा देता हूँ इसको। तो इसको सेम ऐसे बनाना है, इसमें दो रेड स्टोन रिपीटर लगाने और रेड स्टोन से ऐसे कनेक्ट कर दोगे तो ये मतलब काम करने लग जाएगा। इसमें लाइटिंग बंद चालू ऐसे होने लग जाएगी, और फिर रेड स्टोन से आपको ऐसे दूर तक ले जाना है। और फिर आपको चाहिएगा एक पिस्टन, कोई भी स्टिकी पिस्टन हो, कोई सा भी पिस्टन हो, बस एक पिस्टन चाहिए होगा। और एक चाहिएगा स्लाइम बॉल। तो अभी मैं आपको पूरी डिटेल से दिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। और प्लीज़ ट्रिक काम करे तो एक लाइक कर देना। तो और आपको TNT चाहिए होंगी और सेकंड चीज़, हाँ। तो इसके सामने ये लगाओगे तो ये देखो ऐसे ऑटोमेटिक ये जंप को मतलब आगे की तरफ पुश करने लग जाएगा। तो अभी बंद कर देता हूँ एक बार। उसके सामने स्लाइम बॉल तो ये रहा। तो अब चलते हैं जल्दी से ऊपर और स्लाइम बॉल लगाता हूँ मैं। इसके सामने लगा देना स्लाइम बॉल, और ऊपर रखना है एक, ये तो ऑब्जर्वर है, डिस्पेंसर लगना था अपना, डिस्पेंसर ये रहा डिस्पेंसर। तो अपन को रखना है डिस्पेंसर इसके ऊपर, स्टिकी पिस्टन के ऊपर रखना है डिस्पेंसर। तो अभी देखते हैं इसको, TNT भी ले लेता हूँ थोड़े बहुत। तो इसके ऊपर रखना है सामने की तरफ मुंह करके रखना है, क्योंकि उसका मुंह ये सामने तो भगाएगा। तो इसमें रख देना है TNT कहाँ पर गई, ये रही TNT। तो अब आपको रेड स्टोन से कनेक्ट कर देना है, नॉर्मल सी चीज़ है, कोई भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो इतनी कोई मैंने फिजिक्स कुछ नहीं बताया, नॉर्मल सी है। देखो ऐसे काम करना चाहिए बट ये तो नहीं कर रहा भाई साहब, ये भी फेल हो चुका है। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिप पे। फिलहाल अपनी दो ट्रिक फेल हो चुकी हैं, तो अब अपनी तीसरी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्वार्ट्ज स्टोन ऐसे रखना है, और ये क्वार्ट्ज के ब्लॉक यहाँ पे ऐसे रखोगे तो आपको मिल जाएगा ये डायोराइट। ये मैं बनता है ऐसे डायोराइट, पहली बार देख रहा हूँ यार। आपको पता है तो नीचे कमेंट में बताओ कि आपको ये ट्रिक पता है कि ऐसे मतलब डायोराइट बनता है क्या। और फिर डायोराइट को आप कैसे बनाओगे, तो ग्रेनाइट बनेगा। तो ग्रेनाइट भी ऐसे बनता है यार,
आज तक मुझे तो पता ही नहीं था कि ग्रेनाइट ऐसे बनता है। और भी एक ट्रिक और है कि आपको ऐसे और क्वार्ट्ज चाहिए थे। अभी एक चीज़ और थी वो और मैं भी दिखा देता हूँ, पहले क्वार्ट्ज निकालो। तो जल्दी से क्वार्ट्ज निकाल लेता हूँ बाहर और आगे की ट्रिक बताता हूँ। ऐसे देखना है कोबाल्ट स्टोन को और ये रखना है, और ये क्या है, डायोराइट ही है। तो आगे की ट्रिक और क्या थे, और भी एक चीज़ और थी शायद, मिस कर रहा हूँ, मेरे को याद करने दो एक बार। हाँ अब बताता हूँ, देखो डायोराइट और कोबाल्ट स्टोन को रखोगे तो एंडेसाइट मिल जाएगा आपको, एंडेसाइट जो भी है। तो ऐसे तीन चार चीज़ें मिलाकर ये तीन चार चीज़ें नई चीज़ें बनती हैं। तो ये मैंने आज पहली बार देखी थी, तो मैंने आपको बता दिया है डायोराइट, एंडेसाइट, ग्रेनाइट, ये सारी चीज़ें आप बना भी सकते हो। ये मेरे को तो पहली बार पता चली है। अगर आपको पहली बार पता चली तो प्लीज़ एक हिट लाइक करना, आपको कुछ नया बताया। तो आप चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक पर। पांचवी ट्रिक पे, तो इसमें आपको डिस्पेंसर लगाने पड़ेंगे। तो देख सकते हो नॉर्मली ऐसे ही डिस्पेंसर लगाने हैं जैसे मैंने लगा रखे हैं तीनों डिस्पेंसर, और ये भी TNT मतलब TNT की ऐसी कुछ है। और इसमें क्वार्ट्ज ब्लॉक लगा देना है ऐसे पीछे की साइड, और ऊपर से इनको रेडस्टोन से कनेक्ट कर देना है तीनों को। तो ये तीनों कनेक्ट हो चुके हैं फाइनली। तो अब यहाँ पे वाटर डालना है पानी। तो अब यहाँ पे एक और भी चीज़ें लगानी थी ना, बहुत सारी चीज़ें करने। तो अभी मैं बता देता हूँ कैसे नॉर्मली इसको कैसे तैयार करना है। तो ये मतलब TNT फायर करेगा, आगे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे एक बार क्वार्ट्ज ब्लॉक रखना है और नीचे लैडर लगा देना है। लैडर को देखता हूँ मैं, तो लैडर कहाँ पर गई, ये रही लैडर। और एक लैडर लगा देनी है, तो ये पानी बंद हो जाएगा यहाँ से। तो अब लैडर भी लगा दिए, तो आगे की स्टेप पूरी बताऊँगा, तो वीडियो पूरी देखना। और यहाँ पे एक डिस्पेंसर लगेगा, एक इस तरफ एक डिस्पेंसर लगेगा, और एक ऊपर की साइड एक डिस्पेंसर लगेगा। तो ऊपर की साइड भी लगेगा, ऊपर की साइड नहीं लगेगा। और अब आपको चाहिए स्लैब, स्लैब चाहिए होंगे। तो स्लैब को एक बार पीछे की साइड आपको रेडस्टोन टॉर्च लगानी है। तो सेम ऐसे बनानी है, और पीछे की साइड आपको रेडस्टोन टॉर्च लगानी पड़ेगी। तो रेडस्टोन टॉर्च मैं लगा देता हूँ। और भाई साहब ये ऐसे चस्पूस कर रही है, कोई नहीं है। पीछे की साइड रेडस्टोन टॉर्च लगा दिए मैंने, सेम ऐसे लगानी है। और रेडस्टोन से तीनों को कनेक्ट कर देना है दोबारा से, और ऊपर की साइड स्लैब लगा देना है। तो अब आगे की स्टेप मैं बताता हूँ क्या करना है। आपको डालने हैं TNT। तो आपको पीछे वाले में यहाँ पे एक मतलब ये लगा देना है लीवर, जिससे इसको बंद चालू बंद कर सकते हैं। और इसके अंदर डालना है TNT। तो मैं TNT डाल देता हूँ, और ऊपर वाले में डालना है TNT, जो ऊपर जो डिस्पेंसर रखे हुए हैं वहाँ पर TNT डालने हैं। तो इसमें भी TNT डाल देता हूँ जल्दी से। तो अब इसको करना है ऑन, तो देखते हैं। अब देखो फायर कर भाई, ये तो यहीं अपने में ही फायर कर रहा है भाई, ये तो डैमेज नहीं हो रहा। बट इसको यार ये ट्रिक भी फेल हो चुकी है, बट ये एक बार वो ट्राई करके देखता हूँ यार, इसको कनेक्ट कर दूँ एक बार। अब देखता हूँ यार ये फायर नहीं कर रहा अभी भी, यार ट्रिक तीसरी बार फेल हो चुकी है यार, ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं यार, ये TNT वाली ट्रिक कोई सी भी काम नहीं कर रही है। तो अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके बताओ यार आपको क्यों काम कर रही है यार, मेरे जावा वर्जन में तो काम नहीं कर रही है। तो इसके अंदर मैं TNT डाल के देखता हूँ, अभी TNT पड़े हैं मेरे पास इसके अंदर, है ना। तो इसके अंदर मैं TNT डालूँ तो ये काम करेगा क्या, देखता हूँ। काम करता है शायद, नीचे की साइड डाल रहे हैं। तो ऐसे आप करना चाहो तो कर सकते हो। तो अब मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक पे। तो जल्दी से तो ये लास्ट और फाइनल ट्रिक है अपनी, और ये 101% काम करने वाली है। तो आपको कुछ नहीं करना, ऊपर थोड़ा सा आसमान में जाना है, स्काई में, और थोड़ा सा ऑब्सीडियन लगा देना दो ब्लॉक, और फिर इसके सामने इसके इस साइड लगाना है एक स्टिकी पिस्टन, और उसके आगे लगा देना स्लाइम ब्लॉक। तो कुछ नहीं करना, जैसा मैंने किया है वैसे ही करना है। थोड़ा ऊपर उठा के कर लेना, बस ऐसे ही करना है थोड़ा आसमान में। तो आगे मैं बताता हूँ, अभी आगे आपको क्या करना है, आपको मतलब ऑब्सीडियन को थोड़ा सा लेवल आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना है, एक नॉर्मल सा एक ऑब्सीडियन का ब्लॉक लगाना आगे की तरफ, और ये ट्रिक 101% काम करेगी। तो यहाँ पे एक ऑब्सीडियन का ब्लॉक लगाना है, और यहाँ पे रेड स्टोन लगाने दो। तो ये रेड स्टोन लगा दिया, यहाँ पर एक लीवर लगाना है। तो लीवर लगाओगे तो आगे की तरफ ये बढ़ेगा। तो आपको चाहिए ओनली, यहाँ पे आपको चाहिए मतलब TNT।
तो नॉर्मल से आप TNT रखोगे तो ये देखो, इसको मैं लीवर को ऑन करूँगा तो ये इसको भगाएगा दूर तक, तो ये काम कर रही है ये ट्रिक। अगर आपको इन वीडियो मतलब इन कोई सी भी ट्रिक में से कोई भी आपके काम करे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये 101% काम कर रही है। और आप में से किसी ने भी शाउट आउट के लिए नहीं बोला तो इस वीडियो में किसी को भी शाउट आउट नहीं देने वाला हूँ। मैंने इस वीडियो में मतलब 6 टिकटॉक माइनक्राफ्ट हैक लिए थे, तो उसमें से 3 काम किए तो 3 फेल हो गए हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ एक हिट लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना अगर चैनल पर न्यू हो। और शाउट आउट चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना अपना नाम, फुल नेम कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मेरे चैनल पर आती रहती है तो प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय बाय, टाटा सी यू, बाय बाय। टूटे जो पर पंछी के उड़ना फिर भी भूले नहीं, क्योंकि हो सोच ऊपर केवल नजरे ऊपर नहीं। छूकर जो दिल से निकले ऐसे तीर चूके नहीं, रुकी ये बातें दिल से निकले सारी मुंह से नहीं। पापा मैं उनमें नहीं जो सपने देखे आसमां के, करते ना मेहनत बिल्कुल निर्भर सारे प्रार्थना पे। मैं तो अकेले करूं काम कोई साथ ना दे, कैसे मैं करता स्ट्रगल पूछो मेरी आत्मा से। हाँ मैं भी जानू मुझको गिरना पड़ता बार बार, पर आपने सिखाया गिर हजार बार ना हार मान। यही बातें गांठ बांध चलता सीधा रामबाण, होता ना फल मैं जब तक जाए ना ये मौत मारना। पापा फेल नहीं, खत्म हुआ खेल नहीं, आएगी सवेर भले आए थोड़ी देर सी। मानता हूँ मैं भी मेरी उम्र है कमाने की, पर पैसों से ना पूरी होगी इच्छा इस दीवाने की। नाम तेरे आपका क्यों चिंता है दुबाने की, सोचेगी क्या जनता माँ की आँख इस जमाने की। देखे बड़े सपने केवल बड़े लोग नहीं, मेरे सपनों को डुबा दे ऐसे खड़े लोग कई। पर पाए रोक नहीं, तुझमें इतना जोर नहीं, मेरी रगों में जो खून तुझमें रहा दौड़ नहीं। दिल में खौफ नहीं चाहे मंजर हो तूफानी सा, हाथ ना हथियार खंजर मुंह में है जुबानी का। सीने में पता नहीं खून खोले क्यों जवानी का, पानी जैसा बहता ज्ञानी हिस्सा हूँ कहानी का।